शहरे सबा और नहरे सरसार। शहरे सबा ये यमन का वही शहर है जहाँ की बिल्किस रहने वाली थी, उसी के मुतलिक कुरान मजीद में सूरे सबा में है। तर्जुमा, और कौम सबा के लिए तो यकीनन खुद उन्हीं के घरों में कुदरत खुदा की एक बड़ी निशानी थी कि उनके शहर के दोनों तरफ दाहिने बाएं हरे भरे बागात थे। उनको हुक्म था कि अपने परवरदिगार की दी हुई रोज़ी को खाओ पियो और उसका शुक्र अदा करो। दुनिया में ऐसा पाकीज़ा शहर और आखरात में परवरदिगार सा बख्शने वाला, उस पर भी उन लोगों ने मुँह फेर लिया और पैगंबरों का कहना ना माना, तो हमने उन पर बड़े ज़ोर का सैलाब भेज दिया। उनको तबाह करके उनके दोनों बागों के बदले ऐसे दो बाग दे दिए दिए जिनके फल बदमज़ा थे। उनमें झुकाव था, कुछ थोड़ी सी बेरियां थी, ये हमने उनकी नाशुकरी की सज़ा दी। और हम तो बड़े नाशुकरों ही की सज़ा क्या करते हैं। और हमने अहले सबा और शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत अता की थी, चंद बस्तियां सरे राह आबाद की थी जो बाम नुमाया थी, और हमने उनमें आमदरफत की राह मुकरर की थी, और उनमें रातों को दिनों को जब जी चाहे बेखटके चलो फिरो। तो वो लोग कहने लगे, परवरदिगारा करीब के सफ़र में लुत्फ़ नहीं, तो हमारे लिए सफ़रों में दूरी पैदा कर दे। और उन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया, तो हमने उनको भी तबाह करके उनके अफसाने बना दिए, उनकी धज्जियाँ उड़ा के उनको तितर बितर कर दिया। बेशक उनमें सब्र शुक्र करने वाले, और हर सब्र शुक्र करने वाले के लिए बड़ी इबरतें हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अहले सबा की एक जमात थी जिनके शहर एक दूसरे से करीब थे और वो बाहम आसानी से मिलते जुलते थे। इन शहरों में नहरें जारी थीं, वो बहुत मालदार खेती बाड़ी वाले थे। उन लोगों ने कुफरान नेमत किया और ख़ुद ही अपनी राहतों में तगैर के खवा हुए, तो खुदा ने एक सैलाब भेजा जिसने उनके शहरों को तबाह कर दिया। उनके मकानात गर्क हो गए, तमाम अमवाल बर्बाद हो गए। उनके हरे भरे बागों के एवज़ वो बाग पैदा हुए जिनका जिक्र खुदावंदे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है। रवायात से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और बरवायत बिल्किस ने अपने लश्कर के ज़रिए से एक खलीज तैयार कराई थी, दरियाए शीरीन से तैयार कराई थी जो बिलाद हिंद की तरफ जारी थी, और एक बहुत बड़ी दीवार पत्थर और चूने से तैयार करा के बंद बंधवाया था। इसमें कुछ सोराख या ताकीजे किए थे, जब चाहते थे सोराखों को खोल देते थे, जब चाहते थे बंद कर देते थे। इस खलीज से चंद नहरें जारी की थीं, जिनमें से एक नहर का नाम सरसार था। उन्होंने ऐसा बंदोबस्त किया था कि जिस इलाके में आबपाशी की ज़रूरत होती थी उसी इलाके का सोराख खोलते थे, यहाँ तक कि काफ़ी पानी वहाँ पहुँच जाए। नहरे सरसार में पानी के बहतात थी। कौम सबा ने अपने रुकबे ज़मीन को खूब सैराब किया। उनका मजरुआ रकबा बहुत ज़्यादा था। उनके शहर के दाहिने बाएँ जो नहायत अजीम बाग थे, जो जोश रोज़ो राह रोशन के मुरबे में फैले हुए थे, जो नहायत अजीम बाग थे, जो 10 रोज़ की राह के मुरबे में फैले हुए थे, इस कदर घने और मछलों से लदे हुए थे और फलों से लदे हुए थे कि अगर कोई शख्स इस बाग में दाखिल होकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहे तो 10 रोज़ तक सूरज नज़र नहीं आ सकता था। उनके इलाके में गंदम की फरावानी हद से ज़्यादा थी। उनका आलम यह हो गया था कि वो लोग गंदम का मगज़ निकाल कर रोटियाँ पकाते थे और अपने बोल बराज की तहारत रोटियों से करते थे। वो नजासत आलूद रोटियाँ बाहर फेंक देते थे, अपने बच्चों की तहारत भी उन्हीं रोटियों से करते थे, यहाँ तक के रोटियों के ढेर पहाड़ों की तरह हो गए। एक रोज़ एक मर्द साले का उस तरफ से गुजर हुआ, उसने देखा कि एक औरत रोटी लिए अपने लड़के की निजासत साफ कर रही है। इसने कहा कि ये क्या कर रही हो, खुदा से डरो, रिज़्क की तोहीन ना करो वरना तबाह हो जाओगी और तुम लोगों को कोई बचाने वाला ना होगा, तुम्हारी सारी हरकतें खुदा देख रहा है, देखो इसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। इस औरत ने जवाब दिया, तुम अपनी राह लगो और नसीहत ना करो, सुनो जब तक हमारे कब्ज़े में नहरे सरसार है हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हमारी फरागी कोई तंगी और तंग नहीं कर सकता। अलगरज यही होता रहा,
जब वो लोग खौफे खुदा से बिल्कुल बेनियाज हो गए और इसकी तोहीन बंद ना की और नेक लोगों की नसीहत पर कान ना धरा, तो खुदावंदे आलम ने बड़े बड़े चूहों को उन पर मुसलत कर दिया। उन चूहों ने दीवार को खोदना शुरू किया। उनमें से एक ऐसे बड़े बड़े पत्थर निकाल कर दूर फेंकने लगे कि अगर उन पत्थरों में किसी एक को बहुत मजबूत और तंदोमंद आदमी उठाना चाहता तो ना उठा सकता। ये हाल देखकर इनमें से बज लोग तो शहर से भाग गए, वहाँ की बूदोबाश तरक कर दी। अक्सर महू गफलत रहे, चूहे बराबर इस दीवार के खोदने में मशगूल रहे, यहाँ तक कि वो दीवार बिल्कुल मंधम हो गई और सैलाब यके व यक उन पर आ पड़ा और तमाम शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर खुदा ने तंदो तेज़ हवाएं भेजी जिन्होंने दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंका और वहाँ सिर्फ फूल, बेरी और झुकाव के दरख्त उगाकर बाग तैयार कर दिए। फिर वो खाने के लिए रोटियों को तरसने लगे। आसमान से पानी बरसना बंद हो गया, ज़मीन से दाना उगना रुक गया। वो सब के सब फकीर और मोहताज हो गए। बिलाकर वो वही रोटियां जिनसे निजासत साफ करते थे खाने पर मजबूर हो गए, उसी को खाने लगे। फिर इसके उसूल में भी झगड़े होने लगे और वो तोल तोल कर पाने लगे, यानी इसी को तोल कर तकसीम करने लगे। हज़रत इमाम जाफर सादिक़ सलाम का इरशाद है कि रिज़्क़ की, खुसूसन रोटी की इज्जत करनी चाहिए। रोटी के टुकड़ों, दस्तरखान के ज़रों को खाना चाहिए और खाने के बाद उंगलियों को चाटना चाहिए। इस अमल से रोज़ी में इजाफा होता है। अल्लाहुम्म सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।